hi everyone welcome back to my channel literature and literature this is lecture number 13 i've already recorded 12 more videos you can have a watch and then come here um at least see the age of revival the features and then the other writers also because i'm doing it in chronology so i'm i'll like i'm trying to put things in chronology so you try to to put them in chronology in your notes so please do those writers first and these later um, yeah and before i start here um there's these two writers henryson and caxton i would also like to tell you that um, there was a concept of scottish chaucerians and english chaucerians let me just put it here scottish chaucerians and english सेब चौसेरियंस राइट नाउ द वेरी नेम ये अपने आप में ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्कॉटिश चोसेरियंस जो थे दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चौसर एंड इंग्लिश चौसेरियंस वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चौसर मतलब चौसर की राइटिंग स्टाइल को एक तरीके से कॉपी uh, करना तो नहीं बोलूंगी बट हाँ उनके इन्फ्लुएंस में लिख रहे थे तो जिस तरह से चौसर लिख रहे थे लिखते थे उसी तरह से ये ग्रुप ऑफ राइटर्स भी लिख रहे थे अब स्कॉटिश और इंग्लिश का इसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है ताकि आप सेपरेट कर सके इंग्लिश चौसेरियंस मतलब जो इंग्लैंड में रहकर ही चौसर को फॉलो कर रहे थे और स्कॉटिश चौसेरियंस मतलब जो स्कॉटलैंड में चौसर को फॉलो कर रहे थे तो अब जब आप वर्क्स देखेंगे तो देखना कौन से स्कॉटिश चौसेरियंस हैं कौन से इंग्लिश चौसेरियज है वो खुद पता चलेगा क्योंकि वो चौसर से ही इंस्पायर होकर उन्हीं के किसी वर्क को या तो कम्प्लीट कर रहे हैं या कॉमेंट कर रहे हैं या आप देखेंगे तो आप स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो इसमें हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हेनरीसन और विलियम कैक्सटन के बारे में रॉबर्ट हेनरीसन जो थे इन्होंने लिखा था द टेस्टमेंट ऑफ क्रिसड अभी जो टेस्टमेंट ऑफ तो क्रिसड है ये किस बारे में है इसमें हम बाद में आएंगे बेसिकली ये चौसर ने एक वर्क लिखा था ट्रॉयलेस एंड क्रिस तो जो चौसर का वर्क था ट्रॉयलेस एंड क्रिसड उसी वर्क का आगे एक्सटेंशन है ये वाला वर्क तो चौसर का वर्क में क्या होता है वो जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें ये वाला वर्क समझ आए सो बिफोर वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द टेस्टमेंट ऑफ क्रिस अंडरस्टैंड वट चौसर हैड टू से इन एंड इसके ना अलग अलग स्पेलिंग्स है हर जगह ये स्पेलिंग भी, भी है ये वाला स्पेलिंग भी है ये वाला स्पेलिंग भी है तो अलग अलग स्पेलिंग्स है अलग अलग जगह सो उसमें आप इतना मत पढ़िएगा कोई चक्कर नहीं है क्रिसीड में क्या होता है, है, वो है जो वो ट्रोजन ठीक है जो वॉर हुआ था ना ग्रीक्स और के बीच में एक बहुत फेमस वॉर हुई थी तो उसमें ये ट्रोजन्स को ट्रोजन्स की साइड से हैं क्रिसीड भी ट्रोजन्स की साइड से ही है और बोथ ऑफ देम एंड लव विद बिचाद लेकिन होता क्या है कि क्रिसीड के जो फादर हैं वो एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कि हम वी विल गिव क्रिस टू दीक्स किस कोई अग्रीमेंट हुआ होगा सो मतलब अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि क्रिसीड को ग्रीक्स को दे दिया जाएगा अब ऑब्वियसली ये वाला एंगल तो कोई देख नहीं रहा है तो क्रिस बोलती है इवन दो She's going to the Greeks, क्योंकि वो अग्रीमेंट जो भी हुआ है उसको फुलफिल करना है तो होता क्या है, कि जब वो जाती है ग्रीक्स के पास देयर क्रिस इन लव विदर्सन तो ऑब्वियसली अब इसका मतलब ये हुआ दैट क्रिसड इज बींग अन फेथफुल टू ट्रॉय तो ये जो वर्क है ये एंड हो जाता है एट दिस पॉइंट यू नो इज लाइक ही यू नो रिवेंज और समथिंग और ये बस ख़त्म है इसके आगे यहाँ पे स्टोरी एंड होती है नाउ वेन यू सी द दस्टमेंट ऑफ क्रिसीड यहाँ पे क्या होता है इट स्टार्ट विद जब क्रिसीड को डिओमिट्स जो है वो बैनिश कर देता है तो ऑबली बात है कि क्रिसीड को बुरा लगेगा गुस्सा आएगा तो वो क्या करती है वो गॉड्स के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है कि ये हुआ वो हुआ अब ऑब्वियसली अब गॉड्स को गुस्सा आएगा तो वो क्या करते हैं वो उसको एक तो पनिशमेंट के तौर पे प्रसीड ब्लाइंड हो जाती है और उसकी ब्यूटी भी चली जाती है अब उसके पास यू नो क्योंकि वो निकाल दी गई है बाई डिओमिट्स तो अब उसको सर्वाइव तो करना ही है सो शी फॉल्स इन टू प्रोस्टिट्यूशन एंड बेगिंग एक दिन जब वो बेग कर रही होती है ट्रॉयलस उसे मिल जाता है सो so, अगर आपने देखा हो कि चौसर वाले वर्क में ट्रॉयलर्स यू नो ही सेज दैट ही टेक रिवेंज इन ऑल यहाँ पे आके ट्रॉयलर्स को ना उस पर तरस आता है और वो ना उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और जब वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है ना तब क्रिसीड को लगता है कि ये इंसान कितना अच्छा था और उसने कितनी बड़ी गलती की है तो उसको गिल्ट फील होता है शी इज़ वेरी गिल्टी तो ये आई मीन दैट्स इट दिस इज़ द टेस्टमेंट ऑफ एंड शी राइट्स अबाउट इट वो इसके बारे में लिखती है मरने से पहले इसीलिए इसे कहते हैं द टेस्टमेंट ऑफ क्रिसीड आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर रॉबर्ट हैंसन के बारे में आप इतना जानने बहुत है अगर किसी को बहुत ही क्यूरसिटी हो रही है और आपका बहुत आपके पास बहुत टाइम है तो आप और पढ़ सकते हैं पर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता नेट परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है um, आप डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर मोर बट ये शुड बी मोर देन इनफ हेनरीसन पर कभी कुछ खास क्वेश्चंस आए नहीं है नेट पे नेट का फोकस नहीं है और आजकल तो नेट का फोकस बिल्कुल ही आ, आपके रोमांटिक एज के बाद के ऊपर फिक्स फोकस हो चुका है उससे पहले कि वो अब इतने क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं तो इतना डिटेल तो बहुत ही इट्स रियली रेयर फिर भी मैंने आपको करा दिया ताकि फियर ऑफ मिसिंग आउट ना रहे आ, पर थोड़ा सा आपको ये इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि स्टोरी काफ़ी जगह यूज़ होती है ये सिर्फ इसकी स्टोरी नहीं है ये काफ़ी कॉमन सी स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए तो इसीलिए मैंने आपको बताया है और मैं आपको एक और चीज बताऊँ अब आपने देखा कि इन्होंने चौसर के वर्क को कम्प्लीट किया तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये चौसेरियन है चौसेरियन है दूसरी चीज ये कि अब ये स्कॉटलैंड के हैं तो क्या मैं इनको स्कॉटिश चौसेरियन कह सकती हूँ कह सकती हूँ ठीक है सो ही इज अ स्कॉटिश चौसेरियन रॉबर्ट हेनरीसन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राइटर हु इज विलियम कैक्सटिन बट ही इज अ फिगर स्टडी अबाउट इन दिस एज द एज ऑफ रिवाइवल अच्छा एक और चीज़ बिफोर आई गो टू विलियम कैक्सटन मैंने आपको रॉबर्ट सन में ये भी बोला कि इन्होंने चौसर से इन्फ्लुएंस रहे ये तो आप देख रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल में क्योंकि चौसर इतने बड़े फिगर थे अपने प्रीवियस मतलब एज ऑफ रिवाइवल से पिछली वाली एज में द एज ऑफ चौसर में कि पूरे एज का नाम ही उनके ऊपर है तो चौसर का इन्फ्लुएंस इस एज में भी आप देख रहे हो तो पीपल आर राइटिंग एज ऑफ रिवाइबल का ये भी एक फीचर है जो आप रॉबर्ट हेनरीसन के थ्रू देख सकते हो और अगर आपको एग्जाम्पल कभी देना हो तो आप ये दे सकते हो अब आ जाते हैं विलियम कैक्सटिन पर हमें ये भी पता है कि एज ऑफ रिवाइबल में प्रिंटिंग प्रेस का, आ, वो आ गई थी द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस सो अब आप देखोगे कि विलियम कैक्सटिन जो थे वो एक बहुत मेजर फिगर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए मेजर फिगर क्या यही थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और इन्होंने कब इंट्रोड्यूस की थी वो मैंने फीचर्स वाले में कवर किया हुआ है वीडियो में वो वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखा है इसमें मैं प्योरली ये बात करूँगी कि इन्होंने क्या वर्ग्स लिखे या क्या वर्ग्स पब्लिश किए तो पहली चीज़ तो आपको जो पता होना चाहिए विलियम कैक्सन के, के बारे में वो ये है कि इन्होंने बहुत फेमस द कैंटबरी टेल्स पब्लिश किया दो बार 1478 में एंड 1483 में दूसरी चीज़ ये एक वर्क है जिसका नाम बहुत ही मुश्किल है प्रोनाउंस करने में द आर ई सी यू वाई एल एन द रेक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय ट्रॉय के हिस्ट्री के बारे में है और ये जो है वर्क ये लेफेवर एल ई एफ ई वी आर ई इन्होंने ये लिखा था और कैक्सटिन ने इनका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में अपने आप और उसको ही इन्होंने प्रिंट किया था इंग्लिश में एंड दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट बुक दैट ही प्रिंटेड इन इंग्लिश अगर आपको पिछले लेक्चर्स का याद होगा मैंने आपको मोटर डी अर्थर के बारे में बताया था थॉमस मैलरी वाले लेक्चर में उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉटर डी अर्थर की किताब थी वो एट बुक्स में थी और जब विलियम ने उसे प्रिंट किया तो वो ट्वेंटी वन बुक्स में हो गई राइट तो यहाँ पे भी मैंने ये इंक्लूड किया है ताकि आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए कि इन्होंने मैलरी की ले मोटर डी अर्थर भी पब्लिश की थी ठीक है विलियम कैक्सटिन के okay, बारे में यही है जो आपको जानना है इसके बाद हम आ जाते हैं आ, किसी भी और राइटर पे नहीं इस वीडियो में यही दो राइटर्स करेंगे अगली वीडियो में हम बाकी राइटर्स के बारे में बात करेंगे अभी के लिए आप ये रिवाइज़ कीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मैं एक बार ना स्टार से आपको बता देती हूँ क्या क्या पता होना चाहिए मेरा पेन क्यों बंद हो गया हाँ तो स्कॉटिश चौसीरियंस इंग्लिश चौसीरियन एक बार लास्ट में ना जब हमें कभी टाइम मिलेगा तो मैं इनको अलग से भी बताऊँगी आपको पर फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए स्कॉटिश चौसीियंस कौन कौन थे इंग्लिश चौसीियंस कौन कौन थे इन पर क्वेश्चन आ जाता है रॉबर्ट हेनरीसन का आप सिर्फ ये भी याद रख लेंगे कि इन्होंने टेस्टमेंट ऑफ क्रिसीड दी थी तो ये मोर देन इनफ है बाकी स्टोरी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये बार बार आएगा अभी जब हमने कैक्सटन भी पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा ना कि इन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय वाली बुक पे ये ट्रांसलेट की है तो कभी क्वेश्चन आ गया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है आपको बेसिक आइडिया रहेगा स्टोरी का थोड़ी स्टोरी सिमिलर ही होती है थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो आप गेस कर सकते हैं पेपर में सब कुछ पढ़ नहीं सकते आप दट दर इज नो लाइक नो लिमिट आप कहाँ तक पढ़ेंगे तो कोशिश कीजिए जितनी चीज़ें आप लॉजिकली गेस से याद रख सकते हैं आप उतनी ही याद रखें और जो गेस से कर सकते हैं उन्हें याद नहीं रखना है याद सिर्फ वही रखना है जो बहुत ही ऐसे साउंड कर रही हूँ आपको कि शायद ये पेपर में आएगा तो आपको गलत लगेगा तो वो चीज़ों को स्पेसिफिकली याद करना होता है ठीक है तो दैट्स अबाउट इट और इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम बाकी राइटर्स कवर करेंगे द एज ऑफ डिवाइवल के ऑल राइट थैंक यू बाय बाय